हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स के कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो नवंबर 2019 में आया था 10 मार्क्स का, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और ये एक नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग है। आपको पता चल जाएगा, अभी मेरे साथ में क्वेश्चन पढ़ोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पूरा ध्यान अपने स्क्रीन की तरफ डालो और क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ना जो है स्टार्ट करो। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। द बैलेंस शीट ऑफ मित्तल ऑन 1 जनवरी 2018 वॉज एज फॉलोज। तो ये जो सारे बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, ये सारे कौन से दिन के हैं? 1 जनवरी 2018 के, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस हैं ट्रेड पेबल्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब आगे देखो, ड्यूरिंग 2018 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 15,10,000। अब क्या कह रहा है, देखो ये साल कौन सा है? 1 जनवरी 2018। एक बार एक टाइमलाइन छोटा सा बनाते हैं यहाँ पर। ये जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ये किस साल का बनाएंगे हम? 2018 का, ठीक है। और यहाँ पर ये जो भी बैलेंसेस हमको यहाँ पर इस बैलेंस शीट में दी हुई है, ये कब की है? ओपनिंग बैलेंसेस है, ठीक है। अब क्या बोला है कि ड्यूरिंग 2018 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 15,10,000। तो क्या है ये, देखो 2018 है ये वाला पूरा साल। अब इस साल में इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी इसने बनाया था फाइनल अकाउंट्स, उसमें प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 15,10,000, ठीक है। इतना हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब क्या बोला है, दिस वॉज आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग। ये वाला जो नेट प्रॉफिट आया इस पूरे साल का, इसमें हमने क्या क्या खर्चे माइनस किए थे? आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग मतलब क्या क्या चीजें हमने माइनस करके, क्या क्या एक्सपेंसेस हमने पकड़ के ये नेट प्रॉफिट निकाला था, वो देख लो एक बार। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% पर एनम, फर्नीचर फिक्सचर पे 5% पर एनम। तो देखो ओपनिंग बैलेंसेस जो थी प्लांट एंड मशीनरी की 31 लाख, इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा है इस साल में। फर्नीचर फिक्सचर का 4 लाख का बैलेंस था, इसमें 5% डिप्रिसिएशन लगा है इस साल, ठीक है। आगे देखते हैं, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट 31 दिसंबर 2018। तो हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स होगा एंड डेट पे, ये जो हमारा एंड डेट होगा, ये तो ओपनिंग डेट का ट्रेड रिसीवेबल्स है, देखो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो एंड डेट पे होने वाला नहीं है ये फिगर, ठीक है। हमारा जो एंड डेट पे यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल्स होगा, उस पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करके तब जाके ये नेट प्रॉफिट जो है आई है। मतलब ये सारे खर्चे जो है इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग ₹1,85,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹25,000। तो क्या हुआ कि जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, जिससे ये प्रॉफिट वो निकाला था, उसमें उसने दो चीजें डालनी भूल गई थी। एक तो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था उसका 1,85,000 का, और प्रीपेड इंश्योरेंस था उसका 25,000 का। तो सिर्फ ये दो चीजें भूल गई थी, इन दो चीजों को डाल देने से उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट हो जाता है एज पर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहां क्या बोला है अगले पैरा में, हिज करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 2018, यानी कि एंड डेट की बात कर रहा है। इस डेट में उसके करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगे, क्या हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 21 लाख, ठीक है, कैश एट बैंक है 5,20,000, ट्रेड पेबल्स है 13,84,000। ड्यूरिंग द ईयर ही विदड्रॉ 6,20,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स का भी कुछ फिगर दे दिया है। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल्स एट द ईयर एंड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा। अब यहां पर क्या बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो है ना, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये इक्वल है किसके इक्वल है? नेट ट्रेड रिसीवेबल्स एट द ईयर एंड। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल्स का तो हमको फिगर दिया हुआ 21 लाख, लेकिन एक प्रोविजन क्रिएट करनी थी डाउटफुल डेट्स के लिए 5%। तो बैलेंस शीट में अपना जो आउटर कॉलम में फिगर आएगा वो होगा 21 लाख से 5% ट्रेड डेटर्स के लिए जो प्रोविजन क्रिएट करना है उसको माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में फिगर आएगा। तो उस फिगर पे हमको देखना है कि कितना फिगर है, और वो फिगर हमारा बराबर होगा क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का। तो इस क्वेश्चन में ना यही सबसे अच्छा चीज था, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है
ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, आपको बता दिया कि ट्रेड रिसीवेबल से प्रोविजन माइनस करके जो फिगर आएगी उतना ही आपका क्लोजिंग स्टॉक भी है। ओके, तो अब क्या मांगा है हमसे, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने ऑलरेडी बना लिया, उसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह हमने सब डाल दिए, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह डाल के हमने नेट प्रॉफिट निकाल ली है, कितने का, 15,10,000 का। लेकिन इसमें दो चीजें छूट गई थी, एक क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,85,000 और एक है प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000, तो ये दो चीजें हमको लेनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमको एक छोटा सा रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा आप देख लेना, अभी एकदम ईजी है, पता चल जाएगा। और हमको बैलेंस शीट बनाना है क्लोजिंग डेट पे, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट क्या है हमारा, 31 दिसंबर 2018 है क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेट था 1 जनवरी 2018, क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2018, उस दिन को बैलेंस शीट बनाना, तो वो भी हो जाएगा। अब अप्रोच कैसे करेंगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बैलेंस शीट के जो आइटम्स में जो भी चीजें आएंगी वहां पर आपका प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर जो है, इन वैल्यूज से आपको ये डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट दिया हुआ है 10%, 5% दिया हुआ है, उसको माइनस करके आपको बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स का आपको नया फिगर दिया हुआ है यहाँ पर एंड डेट पे 21 लाख, वो लेना पड़ेगा। उससे आपको एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करके आपको दिखाना पड़ेगा। ये हो गया कैश एट बैंक जो है, कैश एट बैंक का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है 5,20,000 एंड डेट पे। ट्रेड पेबल्स का भी फिगर दिया हुआ है एंड डेट पे। ओके, और इन्वेंट्रीज जो है वो तो हम निकाल लेंगे, नेट डेटर्स जो होगा वही हमारा इन्वेंट्रीज का फिगर आएगा। और यहां पर देखो ट्रेड पेबल्स का फिगर तो दिया हुआ है, एक्सपेंसेस पेबल जो है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर, ये भी हमारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे क्योंकि लाइबिलिटी है एंड डेट में। और प्रीपेड इंश्योरेंस भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा। कैपिटल जो है ये हमारा यही रहेगा, इसमें हमारा नेट प्रॉफिट ऐड होगा। और ड्रॉइंग्स का एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, कहाँ गया, 6,20,000 जो हमारा ड्रॉइंग्स है ये ऐड होगा। तो चलो एक एक करके सारे आइटम्स को डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो फॉर्मेट्स ऑलरेडी जो है बना रखी हैं, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मित्तल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवाइज लिखा है मैंने, ध्यान रखना रिवाइज, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2018। बाकी सारा फॉर्मेट जो है वो सेम। अब यहाँ पर देखो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट का बैलेंस जो दिया हुआ है उससे, क्योंकि कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह की हमारी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ दो चार चीजें दी हुई हैं जो बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड है। तो हमको क्या करना है यहां पर, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट का फिगर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना था, 15,10,000, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे। ओके सिंपल। इसके बाद हमारा कौन कौन सी चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिया था, एक था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,85,000 का, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो हमारा पे नहीं हुआ पर इस साल का एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको तो माइनस करना पड़ता है, तो यहां पर लिखते हैं टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, माइनस करना पड़ता है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस साल के खर्चों में पकड़ेंगे। तो हमने इसको ले लिया है, कितना अमाउंट था मैं भूल गया, 1,85,000, तो 1,85,000 जो है हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारा एक प्रीपेड इंश्योरेंस है 25,000 का। तो नॉर्मली प्रीपेड हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस होता, ठीक है, कुछ अमाउंट होता, तो इससे हम लेस प्रीपेड करते और लिखते 25,000, ऐसे लिखते और आउटर कॉलम में फाइनल फिगर लिखते। लेकिन हमको एक्चुअल एक्सपेंडिचर की फिगर तो यहाँ पर पता है ही नहीं, तो हम किससे माइनस करें, हम तो यहाँ पर माइनस करके दिखा नहीं सकते। तो इस साइड में माइनस करने की जगह हम इस साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस लिख सकते हैं, इस साइड में, ठीक है ना। तो हम इसी साइड लिख देते हैं, चलो इसको मैं मिटा लेता हूं, ये मैंने मिटा लिया। अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। एक्चुअली हमको डेबिट साइड में इंश्योरेंस से प्रीपेड माइनस करके दिखाना चाहिए, पर क्योंकि हमारे डेबिट साइड में कोई इंश्योरेंस हमको दिख नहीं रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, कितना है 25,000, ठीक है। अब ये दो दो आइटम्स हैं हमारे, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक प्रीपेड इंश्योरेंस, इनको बैलेंस शीट में भी बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में एक एक बार लिख लेते वरना हम भूल जाएंगे। यहां पर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सीधे आउटर कॉलम में 25,000,
और प्रीपेड जो है हमारा उसको यहां लिख देते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, सीधा आउटर कॉलम में 25,000, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 के नहीं थे, 1,85,000 के थे, 1,85,000, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने बैलेंस शीट में बैठा दिया। अब हमको क्या करना है कैलकुलेट, एक बार चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ना हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर लाइंस लगा दो, 15,10,000 और 25,000 होगा 15,35,000, 15,35,000 इधर भी लिख देंगे और इससे माइनस होगा 1,85,000, तो 15,35,000 माइनस 1,85,000 ये आ गया 13,50,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट रिवाइज्ड जो है ये आ गया 13,50,000, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट, आप यहाँ पर रिवाइज लिख सकते हो, ठीक है। और ये होगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओके। तो 13,50,000 का फिगर हमारा आ गया। अब बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज में कैपिटल लिखना पड़ता है सबसे पहले, तो कैपिटल देखो कैपिटल की हमारी ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल हमारा 51 लाख का था, ठीक है। तो 51 लाख जो कैपिटल है इसको यहां पर लिख देंगे एक बार, ठीक है, और यहां पर से हमारा ऐड होगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 13,50,000 का, ये हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब एक एक करके यहां से जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उनको पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो इस साइड में आपको क्या दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को पुट करो, एसेट साइड से शुरू करते हैं, तो यहां पर लिखता हूं मैं प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 31 लाख का फिगर है। अब लेस, अच्छा एक बार सारे आइटम्स को लिख लेते हैं उसके बाद डेप्रिसिएशन बैठाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिक्सचर जो है 4 लाख का, यहां लिख देते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये कितने का है, इसमें भी डेप्रिसिएशन है इसलिए इनर कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स का देखो फिगर हम यहां से नहीं लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स का फिगर लेंगे, यहां नीचे दिया हुआ है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 21 लाख, तो इसमें भी एक प्रोविजन का एडजस्टमेंट है, तो यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, ये है 21 लाख, इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि प्रोविजन का एक एडजस्टमेंट आएगा इसमें, ओके। उसके बाद देखो कैश एट बैंक है 7 लाख का, इसका भी फिगर जो है हम नीचे एडजस्टमेंट में लेंगे, देखो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, कैश एट बैंक है 5,20,000, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर नीचे, कैश एट बैंक 5,20,000, सीधा आउटर कॉलम में लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखो इन्वेंट्रीज जो है इसका बैलेंस तो हमारा निकलेगा कैसे, वो आपको बताई दिया हुआ, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल्स एट द ईयर एंड, ओके। तो यहां पर अब हमारा जो है सिर्फ डेप्रिसिएशन बैठाने से काम जो है हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स हमने नहीं बैठाया, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में देख लेते हैं। ट्रेड पेबल्स हमारा 16 लाख का दिया हुआ था ऊपर और क्लोजिंग में 13,84,000 का ट्रेड पेबल्स है, तो इसको ट्रेड पेबल्स को यहां पर एक बार लिख देते हैं, यही लिख देते हैं ट्रेड पेबल्स ये है 13,84,000, ठीक लिखा है ना मैंने, 13,84,000, हाँ। अब डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है एक, सॉरी मैं भूल गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पहले ये चीज आपको बताता हूं। देखो बिजनेसमैन जब बिजनेस को पैसे देता है कैपिटल के तौर पे, वो एक लोन की तरह ही उसको ट्रीट करता है, ठीक है ना, बिजनेस के लिए। तो ये देखो ये है बिजनेसमैन और ये है बिजनेस, ठीक है, इसने क्या किया बिजनेस को कैपिटल दी, ओके। अब कैपिटल देता है तो उससे बदले में वो प्रॉफिट लेता है, लेकिन कभी कभी वो बोलता है कि नहीं सिर्फ प्रॉफिट से मेरा काम नहीं चलेगा, मैंने जो कैपिटल लगाया है यहां पर उस पर मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए, ब्याज भी चाहिए, तो क्या होगा, बिजनेस को कैपिटल देने की वजह से बिजनेस रिटर्न में बिजनेसमैन को प्रॉफिट तो दे ही रहा है
साथ साथ कभी कभी बिजनेसमैन बोलता है कि प्रॉफिट के साथ मुझे अपने इस कैपिटल पे सूद भी चाहिए, तो यहाँ पर उसको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन में इसमें बोला है 6%, तो कैपिटल उसकी कितने की थी, 51 लाख की थी ओपनिंग डेट पे। 51 लाख में क्या होगा, देखो प्रॉफिट उसने कमाया 13,50,000 का, जो कि हमने रिवाइज प्रॉफिट निकाला है, ये होगा, ओके। तो ये प्रॉफिट तो एंड डेट में आया, ये प्रॉफिट तो एंड डेट में आया, प्लस 6,20,000 उसने विड्रॉ भी किया, ये भी हमको डेट नहीं बताई हुई है कि कब विड्रॉ किया, तो हम क्या मानेंगे कि एंड डेट में मान लो विड्रॉ किया, ठीक है। तो हमारा जो क्या कहते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये हम क्या कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो है 51 लाख का, इसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 51 लाख इंटू 6%, ये कितना आता है हमारा, 51 लाख इंटू 6%, ये आ जाएगा 3,06,000 रुपये, ठीक है, 3,06,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब ये क्या होगा, देखो जैसे प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड हो जाता है, प्रॉफिट हमारा कहाँ ऐड हो जाता है, कैपिटल में, क्योंकि हक किसका है प्रॉफिट पे, ओनर का। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है ना, वो भी जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ओके। तो 3,06,000 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर कैपिटल में हमको ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका आप एक वर्किंग नोट बना लेना, 3,06,000 ऐड कर दिया हमने, ओके। अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो है ये देख लेते हैं, 10% पर एनम, तो सीधा सीधा 10% लगा दो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 31 लाख का 10% होगा 3,10,000, तो इसका आउटर कॉलम में कितना फिगर आएगा, 31 लाख इंटू 0.9, 27,90,000, यह आ जाएगा अपना 27,90,000, ठीक है, ये अपने लिख दिया। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना डेप्रिसिएशन बोला है, फर्नीचर फिक्सचर पे बोला है 5% लगाना है, तो आ जाओ फर्नीचर फिक्सचर पे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, ये 5% 4 लाख का कितना होगा, 20,000, यहाँ आ जाएगा 3,80,000, ठीक है। अच्छा ये तो हमने दो चीज़ें कर दी। अब आप बोलोगे कि सर इन आइटम्स को, डेप्रिसिएशन को, क्या सर प्रॉफिट एंड लॉस में प्लॉट करना ज़रूरी नहीं था क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट हमने ओपनिंग बैलेंस लिया, देखो यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिया, नॉर्मली हम पीएल अकाउंट शुरू करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, लेकिन ये तो हम पीएल अकाउंट नहीं बना रहे, ये हम बना रहे पीएल अकाउंट रिवाइज्ड, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो इसने पीएल अकाउंट में कैलकुलेट की थी उसमें ये दोनों आइटम्स उसने छोड़ दिया था, तो हमको सिर्फ यही दोनों आइटम लेना है रिवाइज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर हमको ये अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलता तो हम एक छोटा सा स्टेटमेंट बना के भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये जो डेप्रिसिएशन वगैरह है ना, ये ऑलरेडी इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में माइनस किया हुआ है ऑलरेडी, ये जो नेट प्रॉफिट इसने कैलकुलेट किया था बिजनेसमैन ने, उसने तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई होगी ना, उसमें सारे खर्चे उसने ये डेप्रिसिएशन के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, फिर डेप्रिसिएशन के, ये ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट के, जैसे कि क्वेश्चन में बता दिया है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जिसमें 15,10,000 रुपया प्रॉफिट आया था, इसमें ये सारी चीज़ें उसने अलाउ कर दी थी, ठीक है ना, ये सारे खर्चे उसने पकड़ लिए थे तभी जाके वो प्रॉफिट आया था, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ओके। अब हमको एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेना है 5% ट्रेड रिसीवेबल्स पर, तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा कितना है, 21 लाख। अब इसमें हमको लेस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो 21 लाख का 5% कितना होता है, इंटू 5%, ये होगा 1,05,000 रुपये, ठीक है, 1,05,000, और हमारा आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा 19,95,000, तो ये हमारा नेट डेटर्स हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हमारा नेट ट्रेड रिसीवेबल्स 19,95,000 आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा आ जाएगा उतना ही, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमारा 19,95,000 आ गया, ठीक है। और एक आइटम है जो अभी तक हमने एंट्री नहीं की है, ये है ड्रॉइंग्स, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 6,20,000, ये जो ड्रॉइंग्स का फिगर दिया हुआ है ये हमने अभी तक विड्रॉ सॉरी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, तो कैपिटल से लेस करके दिखा देंगे,
ड्राइंग्स जो है हमारा 6,20,000, ठीक है। तो ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारा शायद कुछ बचा हुआ है कि एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ये कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिप्रिसिएशन लगा दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ये भी कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ट्रेड पेबल, सारा चीज़ हमने कर दिया। अब कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। तो इसको अब एक बार टोटलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा कैपिटल का आउटर कॉलम में फिगर कितना आएगा, 51 लाख प्लस 13,50,000 प्लस 3,06,000 माइनस 6,20,000, क्योंकि ड्राइंग्स माइनस होता है, तो 61,36,000 आ गया, ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ हमारा ऐड होगा 13,84,000 प्लस 1,85,000, ये आ गया हमारा 77,05,000, कितना, 77,05,000। ये लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब एसेट साइड देखते हैं, 27,90,000 प्लस 3,80,000 प्लस 19,95,000 प्लस 19,95,000 प्लस 25,000 प्लस 5,20,000, ये भी आ गया 77,05,000, 77,05,000, ठीक है, सेम आ गया। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ठीक है, लेकिन क्या था कि ये आपको स्ट्रेट कट वे में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। था तो इजी, पर थोड़ा सा इसका डिजाइन अलग था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए ना इंस्टीट्यूट ऐसे नए नए तरीके जो है अपनाता रहता है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप मैदाने जंग जीत नहीं पाओगे। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को, एडजस्टमेंट को रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। एक बार एग्जाम में रट के भी चले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट पीछे का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, कहाँ पर क्या एंट्री होनी चाहिए, बैकएंड में क्या लॉजिक है। ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर नहीं है तो एग्जाम में जाके ऐसे क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा आया था नवंबर 2018 में 5 मार्क्स के लिए, और इस क्वेश्चन में मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए यहाँ पर, क्योंकि अगर ये चेंजेस नहीं करता तो मैं ये क्वेश्चन इतना इजी था कि कोई छोटा बच्चा भी इसको बना सकता था, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज किया है थोड़ा सा। ओके चलो देखते हैं ये क्वेश्चन हमको कैसे करना है। ओके तो क्या लिखा हुआ उसको पहले पढ़ते हैं। मिस्टर फाजिल इज अ प्रोप्राइटर इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, ओके, एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हिज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इज एज फॉलोस। तो मिस्टर फाजिल का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का एक एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सेल्स की फिगर जो है बताई हुई नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट बताया हुआ नहीं है, इधर जो है कुछ बताया हुआ नहीं है, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है बताई हुई नहीं है, कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग कमीशन सच कमीशन, कमीशन टू मैनेजर जो है वो 1 लाख, नेट प्रॉफिट बताया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ इस साइड की टोटल जो है वो बता दी रखी है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस इज अमाउंटिंग टू 1% ऑन टोटल सेल्स, ठीक है। तो ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ये सेल्स का 1% होगा, लेकिन सेल्स भी नहीं पता, सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं पता, कोई बात नहीं। दूसरा इंफॉर्मेशन देखो, कमीशन इज 20% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये जो 1 लाख का कमीशन है ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि इस कमीशन को माइनस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आई होगी उस पे 20% है। तो एक बार हम नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन जो है वो निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मैं यहीं पर छोटा छोटा कर दे रहा हूं, ओके। ये हमारा कितना आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ये आएगा हमारा 1 लाख जो है हमारा कमीशन है, और ये 20% है उस फिगर का। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 × 100 अगर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन जो है ये हो गया हमारा 5 लाख रुपए, ओके। अब 5 लाख रुपए हमारा कमीशन चार्ज करने से पहले का नेट प्रॉफिट था, तो इससे अगर कमीशन का 1 लाख घटा दोगे तो हमको नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा, 4 लाख। तो एक फिगर तो पता चल गई, ये फिगर हमारी कितनी है, एक सेकेंड, ये फिगर है हमारी 4 लाख, ठीक है। अब देखो 4 लाख हमको पता चल गई, ये पता है, ये वाला जो फिगर है सेलिंग एक्सपेंसेस का ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब सिंपल सा चीज समझो, यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं,
यहाँ पर जो टोटल है हमारा 23,45,000, इधर भी तो वही टोटल होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ सर होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये फिगर जो है यह है 23,45,000, ठीक है सिंपल। अब इस फिगर से, ये जो 23,45,000 का फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इससे आप ये 4 लाख, ये 1 लाख, ये 6 लाख और ये 12 लाख माइनस कर दोगे तो क्या आपको सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा। चलो इसको निकाल लेते फटाफट। तो 23,45,000 से आपने ये 4 लाख और 1 लाख हो गया 5 लाख, 5 लाख और 6 लाख हो गए 11 लाख, 11 लाख और 12 लाख 23 लाख, ठीक है ना। तो 23,45,000 से आप माइनस करोगे कितना, 23 लाख, तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपका आ जाएगा कितना, 45,000। सिंपल, लिख के दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, ये आ गया हमारा 45,000, ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी। तो 45,000 यहां पर आपको मिल गया। अब देखो यहां पर एक इंफॉर्मेशन है कि सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स। तो 45,000 जो है ये सेल्स का 1% है, तो अपना सेल्स कितना होगा? सेल्स हमारा होगा, यहां पर लिख देता हूं, सेल्स इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाई 1 into 100, क्योंकि 45,000 सेल्स का 1% है, तो 1% से आप सेल्स कैलकुलेट कर रहे हो तो डिवाइडेड बाई 1 into 100 करना होगा, ये आ जाएगा आपका 45 लाख रुपए, ठीक है। तो अब हमको सेल की फिगर पता चली गई, तो यहां पर हम 45 लाख लिख देते हैं, 45 लाख, ठीक है। 45 लाख पता चल गई तो इधर का टोटल कितना होगा, 45 लाख, ठीक है। तो इधर भी टोटल होगा 45 लाख, कितना होगा, 45 लाख, ओके। अब 45 लाख से आप 22 लाख घटा दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका वो आ जाएगा 23 लाख्स, कितना, 23 लाख्स। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट को आपको यहां बैठाना है, यहीं पर लिख देता हूं 23 लाख, आ गया। अब अदर इनकम जो है वो कैसे निकलेगा, 23 लाख 45,000 से 23 लाख माइनस कर दो तो अदर इनकम आ जाएगा 45 लाख, तो यहां पर बैठा देते हैं 45 लाख, सॉरी 45 लाख नहीं, 45,000, ये बैठा दिया, ठीक है। तो 45,000 का फिगर यहाँ पर आ गया। अब आपका कोई भी फिगर जो है निकालना बाकी नहीं है, सारे मिसिंग फिगर्स आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आया था नवंबर 2018 में। अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या था उसको भी एक बार आपको बता देता हूँ। एक्चुअल क्वेश्चन जो था ना आपका, उसमें सारा चीजें मिटा दे रहा हूं एक बार, हाँ एक्चुअल क्वेश्चन में यहां पर आपको 45 लाख जो है वो बताया हुआ था, मैं लिख दे रहा हूँ एक्चुअल क्वेश्चन में जो जो फिगर्स दिए हुए थे, ठीक है। तो इधर 45 लाख का टोटल भी आपको बताया हुआ था, और यहां पर आपको टोटल नहीं दिया हुआ था, ये चीज बताई हुई थी। तो एक्चुअल क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई थी, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है ये एक्चुअल क्वेश्चन में हमारा नहीं था। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो तो बिल्कुल ही इजी था। देखो बोला है कि सेलिंग एक्सपेंसेस इज 1% ऑफ टोटल सेल्स, तो 45 लाख से आपको सेलिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा 1%, ये होता है आपका 45,000, ठीक है। और यहां पर आपका सेल से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे, सीधा सीधा आपका 45 लाख इधर टोटल होगा, इधर का टोटल दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इधर वाला टोटल 45 लाख होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, 23 लाख, सीधा सीधा निकाल सकोगे, कोई बैक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ठीक है ना। यही 23 लाख आपको इधर पुट करना था और इधर 23,45,000 टोटल आ जाता, ओके 23,45,000 ये टोटल हमारा मिल जाता। अब सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपको पता है, कमीशन भी आपको पता है, तो नेट प्रॉफिट सीधा आप 4 लाख निकाल लेते, एकदम इजी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन था, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बच्चा क्वेश्चन था, इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। और इस टेढ़ा करने का मुझे, आपको, आप सोचोगे कि सर आपने ये टेढ़ा कैसे किया, आपको कहाँ से ये चीज पता चली कि ऐसे क्वेश्चन को घुमा देते हैं। तो देखो इंस्टीट्यूट के मैट में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर, देखो ये मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, देखो यहाँ पर फिगर्स मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे जैसा ये डिजाइन किया हुआ है मैंने, ये नवंबर 2018 वाला क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है ना, उसे वहीं से मैंने प्रेरणा जो है वो ली थी इसको चेंज करने के लिए, तो उस हिसाब से मैंने किया, तो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। तो आपके लिए होमवर्क होगा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आपका होमवर्क, ठीक है, इंस्टीट्यूट के मैट का, इसको जरूर बनाना, देखना काफी मजा आएगा इसको बनाने में। और मेरी जो सोल्यूशन अभी मैंने कराई उसको देखना मत, खुद से बनाना, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, अच्छा लगेगा।
अच्छा चलो, अब जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उसमें आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट चीज है आज जो हम देखेंगे वो ये है, नवंबर 2019 के क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट उठाया है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और आपको कुछ एडजस्टमेंट प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की है, बस एक ही क्रिटिकल एडजस्टमेंट था उसमें, वो ये था और वो मैंने यहाँ पर उठाया है। देखो, ट्रायल बैलेंस में आपको एक बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था क्रेडिट साइड में 80,000 क्लोजिंग डेट, ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। और एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, जनरली जो बैंक्स हमको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती हैं उसके बदले में वो सिक्योरिटी क्या रखती है पता है, अपना जो स्टॉक होता है बिजनेस में उसको वो एज अ सिक्योरिटी मान लेती है, ठीक है ना। मान लो कि आपका 1 लाख का स्टॉक है बिजनेस में, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट कितना देगी बोलो तो 80% देगी या 90% देगी, कुछ मार्जिन घटा देती है, ओके, क्योंकि कुछ बिजनेस में आपके ऐसे स्टॉक होते हैं जो नहीं बिकेंगे या शायद नहीं चलेंगे या खराब हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी मार्केट में आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ स्टॉक तो खराब पड़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ मार्जिन घटाते हैं। तो अगर आपकी 1 लाख की स्टॉक है तो आपको पूरा 1 लाख का ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा, कुछ मार्जिन घटा देंगे, 20% 30% ऐसा कुछ घटा देंगे, उसके ऊपर आपका ओवरड्राफ्ट जो है वो सैंक्शन होगा, ठीक है। तो मान लो कि आपको 80,000 का ओवरड्राफ्ट मिल गया, अब ये आपका सैंक्शन अमाउंट है, क्या है सैंक्शन। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड जानते हो ना, आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको बैंक एक लिमिट दे देती है, जैसे मान लो कि आपका क्रेडिट कार्ड में 2 लाख रुपया का लिमिट सैंक्शन है, लेकिन क्या आप हमेशा उसमें 2 लाख रुपया विड्रॉ करके रखते हो क्या, नहीं। आपने अगर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया है 60,000 का, तो आपका लोन अमाउंट कितना बनेगा, 60,000 का ही। तो सैंक्शन अमाउंट और विड्रॉन अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस कर लेने दो, उसके बाद क्वेश्चन में आता हूं। तो क्रेडिट कार्ड में एक सैंक्शन अमाउंट होती है कि मैक्सिमम आप कितना ड्रॉ कर सकते हो, और एक ड्रॉन अमाउंट होती है कि इतना आपने एक्चुअली ड्रॉ किया है, तो ये दो अलग अलग अमाउंट होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या बोला है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2019 हैज बीन कंसीडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। देखो क्या कहा है कि अगर क्लोजिंग डेट पे हमारा स्टॉक, मैं आपको लिख के बताता हूँ, अगर क्लोजिंग डेट पे हमारा स्टॉक 100 रुपए का है क्लोजिंग डेट पे, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा 100 रुपए का है, तो हमारा सैंक्शनड ओवरड्राफ्ट जो है ना, सैंक्शनड ओवरड्राफ्ट ये है 80 रुपए का, ठीक है, क्योंकि 80% सैंक्शन है। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2019 हैज बीन कंसीडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो हमारा सैंक्शनड ओवरड्राफ्ट कितना हो गया, 80 रुपीज, ठीक है। अब इसमें से हमने एक्चुअली ड्रॉ कितना कर रखा है, ये जो 20% का मार्जिन, यहाँ पर 80 रुपीज के हुआ, 20% का मार्जिन डिडक्ट कर दिया। अब मार्जिनल वैल्यू एडजस्ट करने के बाद देखो यहां पर क्या बोला है, एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू कॉमा एट, यहां पर एक कॉमा होना चाहिए था, 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। ये जो मार्जिनल वैल्यू आपकी एडजस्ट हुई उसके बाद वैल्यू कितना आया, 80 रुपीज। अब इस पे भी आपको 80% ही ड्रॉ करने के लिए अलाउ किया है, इस पे भी 80%, तो आपको ड्रॉ करने कितना दिया है, यहां पर लिख देता हूं, आपको ड्रॉ करने के लिए दिया है इन लोगों ने इसका भी 80%, तो यहां पर 80 × 80% ये होगा हमारा 64 रुपीज, ठीक है। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपया है तो हमको बैंक ओवरड्राफ्ट ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है 64 रुपया। तो इसको उल्टा थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहां थोड़ा सा फ्रेश लिख लेता हूं मैं ग्रीन कलर, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट ड्रॉन ये है हमारा 64 रुपीज, तो स्टॉक है हमारा कितना, 100 रुपया। अब बैंक अरिथमेटिक्स बचपन का याद करो, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हमारा 1 रुपया होगा तो स्टॉक कितना होगा, 100/64, ठीक है। और अगर हमारा देखो क्लोजिंग डेट पे बैंक ओवरड्राफ्ट ड्रॉ कितना किया हुआ है, हमारा बैलेंस शीट में क्या आता है, सॉरी ट्रायल बैलेंस में हमारा क्या आता है, जितना पैसा हमने ओवरड्राफ्ट के रूप में उठा रखा है उतना ही तो आएगा ना। सैंक्शन चाहे हमारा ज्यादा हो उससे हमको मतलब नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में बिल कितना आता है, आपका सैंक्शन अमाउंट क्रेडिट कार्ड में 2 लाख है, पर जितना आपने खर्चा किया, जितना पैसा उससे निकाला है उतना ही तो आपका बिल आएगा, तो उतना ही तो बुकिंग हमारा अकाउंट्स में होगा, हमारा जितना भी बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो अगर हमारा ड्रॉ किया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट दिन में
80,000 है तो हमारा स्टॉक कितना होगा? तो सिंपल 80,000 इंटू 100 बाई 64, ये आ जाएगा कितना? 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 64, ये आ जाएगा अपना 1,25,000 रुपये। अब इस क्वेश्चन में ना क्लोजिंग इन्वेंटरी का वैल्यू नहीं दिया हुआ था और आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता, वरना क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल ही नहीं पाते, तो आपका फाइनल अकाउंट जो है कंप्लीट नहीं होता। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, ये लाइन मैंने ऐड की है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था। एक्चुअली देखो, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी का वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी का वैल्यू दिया नहीं है, यहाँ पर गोल गोल बातें आपको जो है बता रखी है। ठीक है, तो इन बातों से आपको ये चीज समझना है, और मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा जो है टफ लेवल का है, क्योंकि इस चीज को समझना, क्योंकि अभी जो सीए फाउंडेशन के बच्चे होते हैं उनको ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से पता नहीं होता, इसीलिए मैंने ये चीज आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस की है। ध्यान रखना, बैंक जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट देती है ना, तो बैंक किसी बिजनेस को पैसा क्यों देगी? कुछ तो देख के देगी, कोई तो सिक्योरिटी रखेगी। तो सिक्योरिटी जनरली ओवरड्राफ्ट होता है स्टॉक पे, और स्टॉक का पूरा वैल्यू जो है वो नहीं पकड़ती है। स्टॉक का पूरा वैल्यू क्यों नहीं पकड़ती है? क्योंकि आपके स्टॉक में कुछ ऐसा माल होगा जो खराब हो गया है, या अब वो बिकेगा नहीं, रखे रखे पुराना हो चुका है, कस्टमर की टेस्ट बदल चुकी है, तो वो लोग एक 20-25% ऐसा कुछ मार्जिन जो है उससे घटा देते हैं, उसे घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या केस था, और घटा देने के बाद आपका ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करते हैं, और उसमें से जो एक्चुअली आप ड्रॉ करके रखते हो वो आपके बुक्स में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि उतना ही पैसा आपने निकाला हुआ। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का 1,00,000 स्टॉक है और 25% मार्जिन घटाया हुआ है, तो उसका ओवरड्राफ्ट सैंक्शन कितना होगा? 75,000। और मान लो कि उसने इस 75,000 में से 50,000 ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो वही 50,000 यहाँ पर फिर ट्रायल में इस जगह पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों का क्या केस था कि स्टॉक का 80% जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट सैंक्शन था, और उसका जो है क्या कहते हैं उसका 80% जो है उन्होंने ड्रॉ कर रखा था। तो उस हिसाब से हमने बैक कैलकुलेट करके स्टॉक का वैल्यू 1,25,000 निकाला। तो यही चीज आपके साथ मुझे डिस्कस करनी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है ये पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।